ओ भाई आ गए सेटअप पर। और ये देखो भाई हम ये क्या लेकर आए हैं। तो यार मैं बता दूं तुम लोगों को ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खैर से भाई मैं जो हूँ वो छोटा डॉन और उसकी वाइफ को खोल के चला गया था दाना डाल के, बट जो है पानी उधर नहीं है। पानी इसलिए नहीं है क्योंकि यार आज हमने इनको देना है ये सीरप। तो इस सीरप का नाम मैं तुम लोगों को बता दूं, नाम है बायो इनकोली। तो ये तुम लोगों को इजी ना अपना जानवरों के जो ये बनी होती है ना फार्मेसी, उधर से आराम से मिल जाएगा। बाकी भाई इसके मैं फ़ायदे बता दूं तुम लोगों को, लिखे में देखो मसलन नज़ला बुखार, सांस लेने में दुश्वारी, आँखों से पानी आना, दस लग जाना और सुस्त होकर मर जाने के खिलाफ काम करता है। 1 मिलीलीटर में, 1 लीटर पानी में और बीमारी की सूरत में 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में, देखो लिखा हुआ है साफ साफ। तो ये तुम लोगों को मिल जाएगा। और यार ये हम क्यों लाए हैं, तो हमारे साथ थोड़ा सा मसला हुआ है। हमारा जो एक परिंदा है वो थोड़े से बीमार हो गए हैं, एक पेयर जो है, और वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कौन सा पेयर है। सबसे पहले तो यार मैं इन लोगों को ये बना के दे दूँ और ताकि ये भी पी लें, और सबको पिलाना है आज हमने। जितने मुर्गा मुर्गी और कबूतर है ना इनको भी दे देंगे और जो तोते उनको भी दे देंगे। ये सबके लिए फ़ायदेमंद है, ये एक तरीके से एंटीबायोटिक है जो कि इनके काम करेगा कोई अगर बीमारी होगी तो उससे लड़ने में। तो चलो यार पहले डालते हैं जल्दी से। तो यार इनका पानी बना के रख दिया है मैंने, और जो हमारे ये है ना बजेज वगैरह और जितने बर्ड्स हैं इन सबको भी हमने यार इसी का पानी थोड़ा बहुत दे दिया मैंने, ताकि ये हो कि इनके अंदर भी कोई भी किसी में थोड़ी सी भी वीकनेस या कोई भी किसी भी किस्म की बीमारी हुई ना वो उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। और उस पर आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया, लिखा हुआ है और उसका नाम भी बहुत आसान है दवा का, तो आप लोग भी आसानी से मिल जाएगी। बाकी यार एक चीज़, रानी खेत तो आप सबने नाम सुना हुआ है, ये बीमारी भी अब एंटर हो रही है वापसी, क्योंकि मौसम जो बदल रहा है ना तब्दील हो रहा है, उसकी वजह से बीमारी वापसी आ रही है। तो इसका कुछ नहीं पता होता, ये किसी वक्त कब भी आ सकती है, किसी के सेटअप भी आ जाती है, और किसी के बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं ना कोई भी इतनी आराम से नहीं बचा पाता उनसे, अपने मुर्गा मुर्गी कुछ भी हो बहुत मुश्किलों से बच जाएं। ये लगा लें कि 100 में से 99% तो मर जाते हैं, कोई एक 1% होता है जिसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है वो मुर्गा या मुर्गी या कोई भी परिंदा जिसको होती है वो बच जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम पर करता है इसका अबूर सारा। तो ये बात है, बाकी तो वो बीमारी आई हुई है तो उसकी वैक्सीन भी हम ले आएँ, वो इंशाल्लाह हम कल या परसों करेंगे, आज हमने इनको ये दे दी है। और बाकी यार हमारे जो सेटअप पे कौन से बीमार हुए दोस्तों मैं बताते चलूँ, ये दोनों यार बीमार मुझे लगे तो नहीं थे वैसे, वैसे तो माशाल्लाह तंदुरुस्त है, भाग रहा है दौड़ रहा है सब कर रहा है छोटा चेतन जो भी है और उसकी वाइफ भी, पर यार थोड़ा सा गले में खराश और उसके पाँवों में लड़खड़ाहट बहुत थी, जो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा जो ये गिर रहा था हल्का फुल्का, हम समझ रहे थे कोई और वजह है पर वो कोई और वजह नहीं थी, वो हो सकता है कि वो बीमारी की लपेट में आ रहा हो और हो सकता है कि उसको होने वाली हो बीमारी, तो इस वजह से हमने पहले से ही उसको यहाँ सेटअप से अलहदा कर दिया ताकि हमारा बाकी सेटअप बचा रहे यार, और उसको हमने नीचे सेटअप पर रख दिया है, वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ ले जाके, और उनको भी यार ये पानी डाल देते हैं क्योंकि उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये। तो चलते हैं और तुम लोगों को दिखाता हूँ वाले मुर्गा मुर्गी। चलो यार तो आ गए। यार तुम बहुत चिल्लाते हो ब्लैकू, बहुत ज़्यादा चिल्लाते रहते हो, खाना दिया मैं ना, चलो वो फिनिश करो। तो यार ये रहा हमारा जो मिनी चिकन है छोटा चेतन, वो यहाँ है, ये देखो भाई ऊपर कर दिया मैंने, ये भी ऊपर हो गया। चलो तो यार ये रहे दोनों के दोनों, देखो अंदर कैसे बैठे हैं, ये दोनों बेचारे ना काफ़ी ज़्यादा, ये देखो मुर्गी भी सेट है ये भी सेट है। और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, कल हमने जो है इनको वो देखे वो पड़ा हुआ दिख रहा होगा तुम लोगों को, वो कहवा बना के दिया था, दालचीनी और उसमें और भी चीज़ें मिक्स थी, लौंग हो गए, दालचीनी जो गर्म बनता ना कहवा जो नज़ले बुखार के लिए होता वाला बना के दिया था, तो वो सबको छत्ते भी पिलाया और इनको भी ये देखें अभी तक वो पड़ा हुआ है। तो भाई तुम ये दो इनको यार, दवा देते हैं सबसे पहले तो हम।
इधर जा भाई। ये लो भाई, तुम लोगों का पानी आ गया, फ्रेश फ्रेश पी लो। यार मुझे लगता है मुर्गी तो पी लेगी जाके, क्योंकि थोड़ी सी। जाओ जाओ आगे जाओ, ये शायद पी ले। चलो चलो पियो। अगर इन दोनों ने यार नहीं पिया ना, तो मैं भाई को बुला के इन लोगों के मुंह में सुरंग से ज़बरदस्ती पिला दूंगा। लेकिन इन्हें पिलाना लाजिम है भाई, इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यार अक्सर तुम लोगों ने ना हमारा एक मुर्गा है नीचे, उसको देखा ही नहीं है। तो ये देखो भाई, इसको भी मैं पानी रख रहा हूँ। तो यार ये मुर्गा जो है ना हमारा, दिख रहा होगा तुम लोग यार बैक पे, पता नहीं या नहीं, ये देखो अब दिख रहा होगा। तो ये मुर्गा हमारा गली में ही रहता है सेटअप पे, और ये जो है बिकने के लिए हमने रखा हुआ था, मतलब ये हमारा सेल आउट का मुर्गा है। बाकी मुर्गा बहुत अच्छा है यार, पर ये हम सेटअप पे इसलिए नहीं ले आते क्योंकि यार एक तो जगह नहीं है, और दूसरा एक ना नीचे हमने खुद ने रखा हुआ, एक रौनक रहती है इससे गली के अंदर कि हाँ कुछ है। बाकी यार तुम लोग दोस्तों इनके लिए लाजमी दुआ करना यार हमारे, कि ये दोनों जल्द अज जल्द सेट हों। ये देख रहे हो तुम छोटा, ये देखो वैसे माशाल्लाह सेट है। देखो कैसे भागा, ये देखो सब सेट है वैसे ही है। ये देखो, ये देखो इसका मुंह देखा आप लोगों ने, जब इसने आवाज़ निकाली, इसके बहुत खरखर है यार, गले में बहुत ज़्यादा खरखर है, ये देखा। तो इस वजह से ना हमने इसको अलहदा करा, पूरे जोड़े को अलहदा कर दिया कि नीचे कर दें। थोड़ा बहुत हमें मुर्गी में भी लग रहा था खच्चा, तो मुर्गी को भी हमने यहाँ रख दिया। तुम लोगों ने यार लाजमी दुआ करनी है मेरे इन दोनों के लिए कि ये दोनों जल्द अज जल्द सेट हों, ताकि हम जो इनको यार फिर अपने सेटअप पर वापस ले जाएँ। तो बस यार दुआ लाजमी करना। वे क्या मसला हो गया, क्या मसला हो गया, चुप यार, क्या मसला हो गया, कौन आ गया भाई? देखो कोई भी नहीं है यहाँ पे, इनका चिल्लाना ऐवे ही रहता है, ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे पागलों की तरह। इस वजह से ना मैं डर जाता हूँ अक्सर। खैर से भाई पानी सबको हमने दे दिया, नीचे भी दे दिया है, पहले ये चुप हो जाए फिर हम बात करते हैं। तो यार रैबिट हाउस का जो काम है ना, वो हमारा रुका हुआ ये यार, मुझे बहुत दुख हो रहा है। यकीन जानो मैंने सोचा था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर क्या 2-3 दिन का काम है, जबकि 2-3 दिन ही का काम था दोस्तों, ये इससे ज़्यादा नहीं था। पर यार मेरी अपनी गलती की वजह से ये इतना लेट रुक गया। और ये देखो मेरे हाथ का हाल क्या हो रहा है, देख रहे हो तुम लोग, मैंने दस्ताना चढ़ाया था और किस तरीके से बांधा हुआ इसको। अच्छा ये मेरे को उंगलियाँ कटी वटी नहीं है भाई, ना कोई ऑपरेट वगैरह हुआ हुआ है, ये सिर्फ मैंने है ना पानी से बचाने के लिए, ताकि मेरा हाथ जो है गीला ना हो। और मुझे डॉक्टर ने जो है वो एक क्रीम दी है, जो कि मैं इन दोनों ज़ख्मों पर लगा रहा हूँ। मेरे अच्छे खासे कट लगे हैं, खैर है उन पे से जो वो एक आ जाती ना लेयर, जिसे हम खुरन बोलते हैं, वो जो हटाया मैंने, तो भाई अच्छा खासा मेरा ज़ख्म बना हुआ था। अब उस पर मैं क्रीम लगा रहा हूँ तो मेरी जगह भर रही है, पर मेरे अभी भी उंगलियों में सूजन आई हुई है, अच्छी खासी उंगलियाँ हुई हुई हैं, थोड़ी थोड़ी मोटी। तो खैर से इस वजह से ना मैंने अभी काम में हाथ नहीं डाला हुआ, कि ये ना अल्लाह ना करे दोस्तों कोई बड़ा नुकसान हो भाई, इससे बेहतर है कि थोड़ा सा रुक जाए बंदा, तो इस वजह से मैं रुका हुआ हूँ। बाकी और कोई मसला नहीं है मेरे साथ। तो यार अब मैं पता है क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अब जो है मैंने एक चीज़ देखी थी कि ये लोग ना वैसे तो मिट्टी में नहा नहीं रहे थे, तो इस वजह से मैं इनको एक एक करके छोड़ रहा हूँ। ये देखें अभी मैंने कंधारी मुर्गी छोड़ी हुई, इससे पहले जो बड़े वाला मुर्गा मुर्गी पैर छोड़ा था, और ये देखें अब ये नहाना शुरू इन्होंने कर दिया है, कितने प्यार से नहा रहे हैं यार। तो यार ऐसे इनकी आदत बनेगी और ये खुद नहाने आया करेंगे। मैं बस इन सारों को एक एक करके छोड़ रहा हूँ, ऐसे तकरीबन इनको छोड़ना पड़ेगा मुझे 2-3 हफ्ते तक, ताकि इनकी आदत बने। एक साथ तो इनको मैं नहीं खोल सकता, एक साथ खोलेंगे तो भाई बहुत तबाही आ जाएगी, तो इस वजह से एक एक करके अब हम इनको खोलने लग गए मिट्टी में। तो खैर से दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। यार मुझे अभी भी इनकी तरफ से ना आवाज़ें आ रही हैं चू चू की, ये देखो आवाज़ें आ रही हैं हल्की हल्की, वॉइस नोट करो, बहुत लाइट वॉइस है, चेक तो करना यार, लाजमी बच्चे आए हैं।